मिक्स्ड रिएक्शंस हो रहे हैं. एक तरह से अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसा सारा आकाश एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा शो ने अच्छा किया. इतना लगा नहीं था हमें कि इतना बड़ा सक्सेस होगा शो. तो शो काफ़ी बड़ा सक्सेस हुआ, इतना सारा नाम मिला. सबसे प्यारी बात सारा आकाश से हुई, आई गॉट मैरिड टू शक्ति. सो आई गेस बहुत अच्छी चीज़ें हुई सारा आकाश को लेकर. बुरा डेफिनेटली लगता है क्योंकि इतने साल का जो एसोसिएशन होता है, आप एक फैमिली बन जाते हो जिनके साथ काम करते हो. तो आई गेस इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू गेट आउट ऑफ इट, सो टू से. लेकिन आई थिंक जब कोई भी चीज़ ख़त्म होती है तो किसी भी नई चीज़ की शुरुआत उसी के बाद होती है. सो इट्स अ बून एंड आई मीन इट्स गुड एंड बैड. सो बाकी टीम मेंबर्स से भी आप लोग जुड़े हुए थे, रिश्ता तो टूट जाएगा या अभी आप लोग? आई थिंक जिंदगी में रिश्ते टूटते नहीं हैं, कहीं ना कहीं आई गेस अब साथ चलते हो तब तक साथ होता है. फिर लोग अपने अपने ज़िंदगी में उलझ जाते हैं, अपना काम शुरू करते हैं. बट आई गेस मेमोरीज़ हमेशा हमारे साथ रहती है मरते दम तक. और जब भी वो लोग आपके साथ दोबारा काम करते हैं या जब भी आपको मिलते हैं तो वो प्यारी सी मेमोरीज़ होती है जिनको आप रिवाइव करते हो. तो आई गेस टूटेगा नहीं साथ कभी. आई एम श्योर हम सब दोबारा काम करेंगे कभी ना कभी. लेकिन हाँ, ये ज़रूर होगा कि उतना वक्त हम साथ में नहीं बिता पाएंगे हमारे टेक्नीशियंस के साथ जो पहले बिताते थे. जी जी एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैंने वॉकआउट कर दिया या झगड़ा हो गया या ऐसे कुछ ड्रामेटिक नहीं हुआ. एक्चुअली डेट्स की प्रॉब्लम हो गई थी पहले. इनिशियली जो डेट्स हम मैंने उनको बोले थे और जो उन्होंने अग्री किए थे तो उनको ज़रा ज़्यादा दिन चाहिए थे और मेरे पास डेट्स नहीं थे. तो आई थॉट कि इट्स बेटर, क्योंकि क्या होता है जब एक बार सीरियल शुरू हो जाती है और ऑन एयर जाती है तो बहुत प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है फिर, अगर डेट्स की प्रॉब्लम स्पेशली. तो आई डिडंट वांट टू फॉल इनटू दैट एंड आई डिडंट वांट टू ट्रबल देम ऑल्सो, ताकि फिर उनको भी तकलीफ ना हो मुझे भी तकलीफ ना हो. इसलिए आई थॉट कि इट्स बेटर कि दूसरा कोई प्रोजेक्ट साथ में करेंगे. ऐसा नहीं कि यह एक प्रोजेक्ट है तो ख़त्म होगी बात. तो मतलब नहीं, एक्चुअली उनकी गलती बिल्कुल नहीं है. पहले जितने एपिसोड्स, आई थिंक इट वाज सपोज टू बी थ्राइस अ वीक और समथिंग लाइक दैट, और फिर वो 5 बार हो गया वीक में. तो ऑब्वियसली उनको डेट्स उतने ज़्यादा लगे, ज़रूरत लगी. और फिर रिक्वायरमेंट थी कि प्रोटैगनिस्ट हर सीन में हो तो उनको उतने डेट चाहिए थे. और मैंने ऑलरेडी कहीं और कमिट कर दिए थे कुछ दिन मेरे, तो वो एक अमाउंट ऑफ डेज मुझे उस दूसरे शो को देने ही लाजमी थे. तो आई कुडंट रियली गिव 30 डेज ऑलमोस्ट अ मंथ टू देम. इनफैक्ट अभी इस वक्त ज़्यादा उस शो के बारे में बोला नहीं चाहूँगी, लेकिन डूइंग समथिंग फॉर स्टार. और बस चीज़ें पाइपलाइन में हैं अभी. बस आई थिंक 1-2 महीने में सबको पता ही चल जाएगा शो के बारे में. नेहा आई रियली डोंट, बिकॉज आई फील मैंने सीरियसली पूछा नहीं कुछ. लेकिन इफ़ किसी ने को लिया, अगर उन्होंने लिया है तो आई एम श्योर शिल बी वेरी वेरी टैलेंटेड एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट के शिल डू जस्टिस टू द रोल, क्योंकि बहुत प्यारा रोल था. तो आई एम श्योर शिल डू वेरी गुड. अच्छा अच्छा ओके, आई थिंक शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, शिल डू गुड रोल. एक्चुअली मैं उनको जानती नहीं हूँ, आई हैव नॉट वर्कड विद हर, सो आई रियली डोंट नो. बट आई एम श्योर शी वॉज वेरी गुड. आगे स्टार के लिए चल रहा है, देयर टॉक्स ऑन विथ सोनी एज वेल एंड आई एम हियरिंग लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स राइट नाउ. बातें भी चल रही है काफ़ी, तो आई एम टेकिंग इट एज इट कम्स. ऐसी कोई रश नहीं है कहीं से कहीं पहुंचने की. या ये है जिंदगी में, क्या थोड़ा काम करो लेकिन अच्छा काम करो. यू शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट यू डू. हाँ, थैंकफुली मैं और शक्ति हम बांद्रा जा रहे थे और जिस तरीके से बारिश शुरू हुई, ट्रैफिक शुरू हो गया. सो वी थॉट इट विल बी बेटर दैट वी टर्न बैक एंड वी गो बैक होम. तो हम लोग बस जुहू तक पहुँचे थे और वहाँ से हमें घर पे पहुँचते पहुँचते करीबन 3-4 घंटे लगे थे. बट थैंकफुली वी वर लकी कि हम कहीं फंस नहीं गए, हम घर पे पहुँच गए 3-4 घंटे में, लेकिन पहुँच गए. सो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और हमारे घर में भी रेनोवेशन चल रहा है, तो
हम ऑलमोस्ट एक रूम में रह रहे हैं और इट वाज वेरी बैड बिकॉज सारा घर आधा काम किया हुआ, पानी आ रहा था और इट वाज ओनली हैसल. बट अदरवाइज दैट बहुत बुरा लगा सुनकर लोगों के बारे में, बिकॉज सीरियसली आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो बॉम्बे जैसे जगह में ऐसा कुछ हो जाए, स्पेशली साकीनाका जैसी जगह जहाँ पे ऑलमोस्ट हम रोज़ जाते हैं क्योंकि सारे स्टूडियो साकीनाका में हैं. तो उस जगह पे जाके आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऑलमोस्ट 20-25-40 लोग आई थिंक लोगों की डेथ हो जाएगी. सो इट वॉज वेरी सैड, इट वॉज वेरी सैड थिंग दैट हैपेंड. और हमारी एक सारा आकाश की जो ड्रेस डिज़ाइनर थी, शी डाइड इन द इंसिडेंट. शी वॉज इन हर कार एंड वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाई और गाड़ी में शी एंड हर ड्राइवर बोथ डाइड. सो इट वॉज वेरी वेरी ट्रैजिक फॉर अस ऑल्सो बिकॉज नोइंग समबडी सो क्लोज हु हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ दिस, बहुत ही बुरा लगा. और एज अ सिटीजन आई फील आई गेस भगवान अभी भी हमसे बहुत बड़े हैं, नेचर बहुत बड़ी है. तो आई फील ऑल ऑफ अस शुड रियलाइज दैट कि हम अभी तक भगवान नहीं बने, तो वी शुड स्टिल यू नो बी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ इवन मोर नाउ बिकॉज लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट.